नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज जो हम बात करने वाले लेटेस्ट डिज़ाइन के बारे में, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क हो गए, लगभग मैं 3 दिन में बनके रेडी हुआ है जी। तो अनिल जल्दी से दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसका खास तौर से अगर आप हैंडल का वर्क देखेंगे इसमें, क्योंकि यूनिक आपको मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या है, प्लेन हैंडल के साथ रहता है वो एक ही पार्ट में बनता है, ये डबल पार्ट में बना हुआ है और काफ़ी अच्छा दिखेगा, क्योंकि कुशन का भी वर्क ज़्यादा किया गया है। अगर आप हैंडल से ही स्टार्टिंग करते हैं जी। अगर हैंडल के पार्ट में देखेंगे, ये जनरली क्या है, ये दो पार्ट में बनाते हैं हम लोग जी, पार्ट में। पर इसमें क्या है, हमने एडिशनल इसको, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, देखिए, एक तो डिजाइनर बनाया है, दो हमने स्ट्रिप दिए हैं जी, इसके साथ पाइपिंग का वर्क किया गया है, जिसके लुक जो है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। जी, सामने से आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। एक बार अनिल दिखा दीजिएगा जी। और एक तो काफ़ी हैवी है, और अगर देखने से एक तो लुक हैवी हो गया और काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आ रहा है जी। अब दूसरी हम बात करते हैं, इसका ये हो गया, एक पॉइंट हो गया। एक हम कुशन की बात कर रहे थे, जनरली क्या है, कुशन में जो हम बनाते हैं इस तरीके के ज़्यादा प्रिंटेड नहीं रहते हैं। इसमें हमने कुछ ज़्यादा कलर यूज किए, कुछ प्लेन में रखा है, कुछ प्रिंटेड रखा है। अब जैसे ये प्लेन रखा है, इसमें हमने बटन लगा दिए थोड़ा लुक करने के बाद, उसके बाद हमने एक प्रिंटेड दे दिया, फिर एक प्लेन दे दिया। कॉर्नर के लिए हमने इसी के मैचिंग करने के लिए प्रिंटेड दिया हुआ है जी। दो हमने एडिशनल इसमें येलो कलर के डाल दिए, जैसे कि हम लुक देखना चाहते थे कैसा लग रहा है। कब ओवरऑल जब बन के अच्छा आता है तो खुद में भी अच्छा लगता है कि कुछ कोशिश की, उसका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी हेडड्रेस की। हेडड्रेस में भी आप देखेंगे जो डिज़ाइन आपको दी है, जो सेम डिज़ाइन आपके हैंडल में है, वही सेम हमने इसमें भी यूज किया है, पर इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन में चेंजेस किया है जी। इसमें जो आपका ब्लू वाला रखा है वो स्ट्रिप में रखा है, और बाकी आउटर पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो क्रीम कलर रखा है जी। तो इसमें हेडड्रेस अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एडजस्ट करने वाला है, जैसा भी आप चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हैं जी। पर इसमें सेम चीज़ वही मैं जो बता रहा था, इसमें जो पाइपिंग इसमें इस्तेमाल किया हुआ है जी, वही सेम पाइपिंग आपका इसमें इस्तेमाल किया हुआ है जी। तो हर जगह आप देखेंगे इसमें आपका ओवरऑल जो दिया हुआ है एड्रेस मूव करने वाला है। और सेकेंडली बात करते हैं, अनिल एक बार आप टेबल दिखा दीजिएगा, क्योंकि टेबल भी जो है इसमें एडिशनल पार्ट में हमने ऐड किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम कस्टमाइज बनाते हैं उसमें कस्टमाइज में ये वाला पार्ट पूरा ऊपर तक आता है जी। पर इसमें क्या है, हमने ये पार्ट को नीचे रखा है। अब यहाँ से क्या होगा, ये ग्लास का जो पार्ट है यहाँ से लेके इस पार्ट तक आपका कवर करेगा जी, और ये लुक जो है पूरा एक तो ओपन रहेगा, और ग्लास अगर प्लेन ग्लास रहता है तो इसमें लुक और भी अच्छा नज़र आता है जी। एक तो ये है कि आपका 3.5x2 का ये टेबल है जी। तो स्टैंडर्ड आपका इसको जो सोफा कस्टमाइज सोफा है, तो पूरा अगर आप देखेंगे लेंथ इसका कवर कर रहा है। इसके बाद ये काउच वाला पार्ट जो है ये हमने एडिशनल लिया हुआ है। इसका यूज यही है कि आप जहाँ भी जाओ उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इसी पार्ट को अगर आप कॉर्नर पर लगा देंगे तो ये 6x6 का पूरा बेड बन जाएगा जी। एक तो ये पार्ट हुआ, एक आप मान लीजिए यहाँ पे आप लगा देते हैं, मान लीजिए सामने टीवी लगा हुआ है तो इस पार्ट में आराम से लेट के आप टीवी देख सकते हैं जी। तो इसके दो बेनिफिट हैं। इसके साथ इसमें दो आपके पफी भी है, दो आपके पफी एडिशनल। तो इसमें आपका जो है एक ड्राइंग रूम पूरा आपका लिविंग एरिया जो है पूरा फिल हो जाएगा जी। और इसके लिए कम से कम जो है 15x15 या 15x20 का आपका हॉल हो, तब उसमें इसका लुक अच्छा लगेगा जी। तो अभी इसी कवर करते हैं अनिल, दूसरा जो हमारे पास रेडी हो रहा है उसके बारे में कल डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार।